तो साहब, जैसा कि हमने बताया था कि लगभग 15 से ज़्यादा स्पीकर्स आ रहे हैं इस इवेंट में, और एक और उनको गूगलर्स का नाम दिया गया, तो एक साहब हमारे हाथ आ गए, एक गूगलर को हमने पकड़ लिया आपके लिए, और आज इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं साहब आप? मैं पुणे से हूँ। पुणे से क्या नाम है साहब? मेरा नाम विजय कुमार जंगम चट्टी है। सो मैं गूगल पुणे में काम करता हूँ। गूगल पुणे में काम करते हैं आप? यस। कैसा एक्सपीरियंस रहा? झारखंड बिल्कुल इतर है, आप यहाँ पहुँचे, यहाँ की डेमोग्राफी अलग है, लोगों की सोचने समझने की क्षमता अलग है, आप एज अ फर्स्ट स्पीकर थे आप यहाँ पे, कैसा अनुभव रहा? अरे बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, बिकॉज झारखंड में पहली बार आया हूँ, दैट वाज रांची एयरपोर्ट, वाज फंटास्टिक। अच्छा वेलकम किया है लोगों में, इधर अपना ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इधर इतना अच्छे से वेलकम किया है हमें सब कुछ। सो बहुत ही बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है, एंड ऑल्सो प्रेजेंटेशन करते वक्त भी सब लोग इतना अच्छा से सुन रहे थे, अराउंड 700 से 800 लोग थे इधर, राइट? तो वेर सब स्टूडेंट्स थे या इंडस्ट्री वर्किंग थे, स्टार्टअप के बंदे थे, या सारे लोग इतना अच्छे से सुन रहे थे, एंड ऑल्सो जो मैं क्वेश्चन ऊपर से पूछ रहा था वो आंसर दे पा रहे थे, एंड वो लोग भी मुझे क्वेश्चन पूछा है, इतना अच्छा अनुभव रहा है, इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, इंटरेक्शन था डेफिनेटली, राइट? क्या कुछ सिखाया अभी आपने, कोर चीजें जो चीज आपने अभी मैंने एआई के बारे में बताया, राइट? एंड जनरेटिव एआई के बारे में बताया, राइट? अभी मतलब एआई से क्या हेल्पफुल होता है, ये बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा कि एआई के ह्यूमन बींग को रिप्लेस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं है। एआई जनरेटिव एआई जो है ये सिर्फ हमारा क्षमता बढ़ाने के लिए है, राइट? दिस विल हेल्प टू एक्सपीडिट आर वर्क, राइट? अभी आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ अभी कोड लिख रहे हो, कोड के लिए हेल्प मिलेगा, राइट? बट उसको आपको किस तरफ से उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको ही करना है, बट पहले अभी स्क्रैच से करने का जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है आजकल अपने नौजवानों को इधर, राइट? पीपल हियर हैव टू लर्न, राइट? दे शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, राइट? हमेशा सीख, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, राइट? बिकॉज टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में बहुत बढ़ रहा है, एवरी 2 ईयर्स 3 ईयर्स 2-3 साल में टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो हमें हमेशा सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई विल कॉल माय सेल्फ एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अभी इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट? उसके लिए अभी हम अपस्किल हो गए, राइट? एंड अभी जो एआई टूल्स है उसको हम यूज़ करने का क्षमता मिल गया, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है, राइट? बल्कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? चूंकि आप पुणे में कार्यरत हैं और झारखंड में आके आप स्पीकर के लिए, तो भारत के दृष्टिकोण से, झारखंड के दृष्टिकोण से कितना समय लगेगा, या क्या लर्निंग कैपेसिटी है यहाँ के लोगों की कि एआई में या जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है कितनी जल्दी अडैप्ट कर सकते हैं हम सब, और टेक के फील्ड में क्रांति ला सकते हैं, क्या सोचते हैं आप? राइट। सो फर्स्ट अभी अपना आज वाइस चांसलर जी बात कर रहे थे, इतना अच्छा उनका स्पीच था आज, ठीक है? उन्होंने कितना टेक्नोलॉजी को कैसे करने का, उस टेक्नोलॉजी से विकसित भारत कैसे होता है, सो ही हैज़ गिवन अ कॉल टू ऑल द स्टूडेंट्स कि भाई तुम इनोवेट करो, राइट? ही हैज़ एनकरेज्ड आवर टीम मेंबर्स, आर स्टूडेंट्स और आर पीपल ओवर हियर, राइट? उस एनकरेजमेंट इनको लेना चाहिए, लेके अभी क्या करना है, दे हैव टू लर्न। बस बहुत सारे लर्निंग टूल्स हैं, राइट? इंडस्ट्री में और व्हाट यू से इंटरनेट में बहुत सारे लर्निंग टूल्स हैं, लेकिन एक कोर्स इंटरनेट से कोर्स लेके सीख सकते हैं आप। सीखने के बाद अभी आप जो भी एआई के बारे में सीख रहे हो, जन एआई के बारे में सीख रहे हो, या कोई भी प्रोग्रामिंग का सीख रहे हो, उसका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, राइट? एक बार लर्निंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हैंड्स ऑन सेशन बोलते हैं हम, राइट? कुछ ऐसा सारे क्लाउड प्रोवाइडर, गूगल भी थोड़ा फ्री क्रेडिट देता है, राइट? वेर यू कैन लर्न, राइट? ऐसा सीख के चुप नहीं बैठना है, पहले तो सीखना है सबको, सीखने के बाद चुप नहीं बैठना है, उसका ट्राई इस्तेमाल करना है, राइट? एंड अभी आपका जो क्वेश्चन था, अभी यहाँ पे ये सारा कर लेंगे, एंड अभी थोड़ा बोल्डनेस आना पड़ेगा लोगों को, राइट? और भर के क्वेश्चन पूछो, एंड भर के अभी क्या कर रहे हो, ऐसा सेशन जो रहता है ना अटेंड करो, बहुत लोगों से कुछ सीख मिलता है। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? सर मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि सीखो, इस सब जगह से एक्सप्लोर करो, सो अभी एक जैसे कि अभी एआई एमएल काफ़ी ज़्यादा बूम पे है और काफ़ी लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक आई एम ऑल्सो स्टडिंग डेटा साइंस, जिसमें तो एमएल मेरा में भी काफ़ी सारा है, सो मेरे को अभी का समय में एमएल एक अलग फील्ड है जो काफ़ी अच्छा बूम चल रहा है, और एक फाइनेंस है, एंड नाउ फाइनेंस एंड एमएल आर बीन यूज कम्बाइंड, एंड उसको क्वांटिटेटिव ट्रेडर और एनालिस्ट के नाम पे चला जाता है, सो इट्स और वो काफ़ी लुक्रेटिव जॉब होता है, काफ़ी हाई पैकेजेस रखती है उसकी, हाँ, तो ये तो हुआ जॉब का पर्सपेक्टिव से,
अगर कोई एक वही एक बंदा अगर वो चाहता है कि वो स्टार्टअप करे इस क्वांट फाइनेंस फील्ड में, क्या इनिशियल लेवल पे वो स्टार्ट कर सकता है? बिकॉज इट विल रिक्वायर्ड अ हाई टेक एज वेल एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा किसी इंडिविजुअल को कि वो इस पर स्टार्टअप स्टार्ट करे, या फिर वो केवल इस पर ऐसा जॉब परस्पेक्टिव से एंट्री ले फिर वो करे? और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में लोग नॉलेज कहाँ से ले, क्योंकि क्वांट ट्रेडर का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है अवेलेबल इंटरनेट पे, काफ़ी कम है इस पर. तो इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ. सो आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई विल ट्राई टू आंसर वन बाई वन. ठीक है, तो पहले अभी जो भी हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, राइट? एंड नाइदर जॉब करके फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके स्टार्टअप करना भी अच्छा आइडिया है. इट ऑल डिपेंड्स कि भाई अभी मैं रेडी हूँ करने के लिए, राइट? या आपको कुछ डिपेंडेंसी और कुछ सीख के करना है, राइट? तो दैट इज़ व्हाट आई प्रीफर कि थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लेके स्टार्टअप करे, राइट? थोड़ा बहुत अभी बिकॉज हमें पता लगेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, राइट? सो दैट्स वन पार्ट. एंड अभी कुछ जो भी स्टार्टअप कर रहे हो, दो एस्पेक्ट है. वो एक टेक्नोलॉजी भी सीखना है हमें, उसके अलावा मेन इज डोमेन, राइट? आप क्या करना चाहते हो, राइट? ट्रेडिंग में तुम्हें डोमेन नॉलेज भी ज़रूरत है. अभी कोई भी स्टार्टअप करना है तो डोमेन चाहिए, क्या करता है क्या नहीं करता है, राइट? नहीं इंटरनेट में कितना है वैल्यू है वो है, नहीं तो गो टू द एक्सपर्ट्स. बॉस आई नीड सम हेल्प ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट? ओके, ये एक मार्केट, ये ट्रेडिंग में ये क्या है, फाइनेंस ट्रेडिंग क्या है, नॉन फाइनेंस ट्रेडिंग है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, वो हमें लर्न करना है पहले. कुछ भी बिकॉज कुछ भी टेक्नोलॉजी इजीली सीख सकते हैं हम, बट डोमेन सीखने के लिए टाइम लगता है, राइट? सो व्हाट आई यूजुअली अभी जस्ट टॉप ऑफ माय माइंड माय ओन थॉट, राइट, कि अभी जब तुम जॉब करते रहते हो, जॉब का काम करके निपटा लो, फिर यू विल गेट मोर टाइम टू लर्न द डोमेन, राइट? वो डोमेन आप सीखो, लाइक अपने पास कोर्सेरा के, इफ यू वांट टू कोर्स का ML का कोर्स करना है, कोर्सेरा में भर के ये है, राइट? कोर्सेस है बेसिक से लेके एडवांस तक भी है, जेनरेटिव AI का है, राइट? एंड जो भी क्लाउड कंसेप्ट का है उसका भी है, राइट? सो आई थिंक दिस ऑल मैटर्स अलॉट. आई से दिस इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज द वे वेयर यू कैन ट्राई, एंड दिस इज वॉट इज माई परस्पेक्टिव, व्हाट आई कैन अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, जस्ट लाइक आई थॉट टू गिव यू दिस सजेशन. होप इट वॉज यूजफुल. उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे. साहब ने आज बहुत इंटरैक्टिंग सेशन दिया, बहुत मज़ेदार था. लोगों ने, जो बच्चे आए थे उन्होंने सवाल किए, इन्होंने सवाल किए, जवाब इधर से भी मिला, जवाब उधर से भी मिला. और जैसा कि साहब ने कहा कि यू शुड हैव टू लर्न फास्टर टू ग्रो फास्टर, तो आपको जल्दी से सीखना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा जल्द से जल्द अपने आप में, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो साहब की बात हमने मानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के सेशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, तब जाकर भारत कभी सिलिकॉन वैली बन पाएगा. मैं हूँ सचिन, कैमरे के पीछे थे अमन, आप देख रहे थे झारखंड अपडेट्स. शुक्रिया. थैंक यू.